इस वीडियो में हम सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन क्या है। काजेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन किस वजह से होती है। साइन एंड सिम्टम्स, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होने के बाद कौन से साइन एंड सिम्टम्स जाहिर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में वो लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे जिससे हम सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान में उन मेडिसिन का जिक्र किया जाएगा जिनसे हम इनके साइन एंड सिम्टम्स और कॉज को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ब्रांड नेम्स ऑफ मेडिसिन, इस ऑप्शन के अंदर वो मेडिसिन डिस्कस की जाएंगी जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और जो अच्छे ब्रांड से ताल्लुक रखती हो। लास्ट में कुछ प्रिवेंशन दी जाएंगी ताकि उन प्रिवेंशन पर अमल करके आप सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को मेडिसिन के अलावा, मेडिसिन के बगैर ट्रीट कर सकें। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन क्या है। हमारी स्किन टिश्यू की एक लेयर से बनती है जो कि ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस लेयर कहा जाता है। इसके नीचे लेयर्स होती हैं जिनको डीप लेयर कहा जाता है। एपिडर्मिस लेयर बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए इसको सॉफ्ट टिश्यू कहा जाता है। जब इस लेयर के ऊपर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन वायरसेस की वजह से हो सकता है, या बाज़ औक़ात फिज़िकल ट्रोमा, अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो गया है तो रोड के ऊपर बहुत से बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, वो स्किन की डीप लेयर में जाके इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। उस इन्फेक्शन की वजह से वो मसल स्वेल हो जाता है, इन्फ्लेमेशन काज होती है और रेडनेस होती है। इस पूरी कंडीशन को, इस पूरे स्नैरियो को सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन कहा जाता है। काजेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, देयर आर सेवरल काजेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। इसके अलावा फिजिकल ट्रोमा, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, इंजरी की वजह से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात यूज़ हुई सुरिंज का दोबारा इस्तेमाल करना या उन ब्लेड्स का इस्तेमाल करना जो कि पहले से यूज़ हो, उन ब्लेड्स के इस्तेमाल करने से भी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, के सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के कौन से साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। रेडनेस होगी, जब इन्फेक्शन होगा तो स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी तो रेडनेस होगा। येलो पस, इन्फेक्शन में पस क्रिएट हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। एबिलिटी टू बेयर वेट, वजन उठाने की एबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ज्वाइंट इनस्टेबिलिटी, ज्वाइंट की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, मोशन की रेंज लिमिटेड हो जाएगी इन्फेक्शन की वजह से। मसल स्पाज़म, मसल्स में स्वेलिंग पैदा हो जाएगी, मसल्स वीक हो सकते हैं। पेन, सीवियर किस्म का पेन होगा, स्वेलिंग होगी। ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में वो लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे जिससे हम सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डायग्नोज कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट इन्फेक्शन को मेजर करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है। एक्सरे, एक्सरे सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यूज के स्ट्रक्चर को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। CT स्कैन और MRI सॉफ्ट टिश्यू की क्लियर इमेज को देखने के लिए यूज़ की जाती हैं और ये टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। टिश्यू कल्चर टेस्ट परफॉर्म करवाया जाता है बैक्टीरिया की प्रेजेंस को देखने के लिए। बायोप्सी माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा जाता है। ये कुछ इन्वेस्टिगेशन में लेबोरेटरी टेस्ट हैं जो कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए परफॉर्म करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्लान में एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती हैं, एनाल्जेसिक मेडिसिन दी जाती हैं और एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं।
सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें पेन के साथ इन्फ्लेमेशन होगी और बैक्टीरिया की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए एंटीबायोटिक, पेन को कम करने के लिए एनाल्जेसिक मेडिसिन, और अगर फीवर है तो फीवर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक मेडिसिन दी जाती हैं। एनाल्जेसिक मेडिसिन, एनाल्जेसिक मेडिसिन बेसिकली पेन को कम करने के लिए, पेन रिलीफ के लिए दी जाती हैं। इनके कुछ ब्रांड नेम्स हैं जिनमें आइब्यूप्रोफिन शामिल हैं, जो कि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो कि पेन को, फीवर को, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इनको एनसिड्स भी कहा जाता है और ये आम तौर पर और ज़्यादातर अर्थराइटिस के पेशेंट में यूज़ की जाती हैं। इनके कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं फार्मेसी पे, आइब्यूप्रोफिन जो कि 200 to 400 mg दिन में दो बार यूज़ करनी है साइनेट सिम्टम्स को कम करने के लिए, फिनोप्रोफिन, ब्रोफिन, डिस्प्रोफिन शामिल हैं। ये इनके कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो कि 200 to 400 mg ईजिली फार्मेसी पे अवेलेबल हैं, जो कि हर 6 से 8 घंटे बाद यूज़ की जाती हैं ताकि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ को कम करने के लिए यूज़ की जा सकती हैं। ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगी और बैक्टीरिया को किल करेंगी। एंटीबायोटिक्स का काम यही होता है। इनमें बैक्ट्रम, नेकोट्रम, एगमेंटेन, इमोक्सिल, एगमेंटेन और इमोक्सिल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। वेलोसेफ और डेलासिन शामिल हैं। लिंकोसिन ये कुछ कैप्सूल्स और टैबलेट फॉर्म में होती हैं एंटीबायोटिक्स। इनका इस्तेमाल करके आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं या इनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। ये मेडिसिन दिन में दो बार यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए और बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर सिर्फ मेडिसिन की रिकॉर्डिंग और डिजीज़ की रिकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है।